नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं कि आप जो है वो अपने फार्म में जू और चीचड़ को जो है वो झिड़मूल से कैसे जो है वो हटा सकते हैं और उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, जो जू और चीचड़ होते हैं ये हमारे पशु के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये उन पे लगातार जो है वो पशु पे उसका खून जो है वो चूसते रहते हैं। इससे पशु जो है स्वस्थ नहीं रह पाता और दूध उत्पादन भी कम आता है। तो इसको कैसे हटाया जाए? तो वैसे तो दोस्तों बाज़ार में जो है इसको टेम्परेरी हटाने के लिए दो तीन रास्ते हैं। आप चाहें तो सॉप उसके लिए आता है, साबुन वो आप ले सकते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं आजकल मार्केट में। देसी फॉर्मूला भी हमने इस चैनल पे आपको बताया हुआ है और उस देसी फॉर्मूले से आप एक लेप तैयार करके जो है वो इससे निजात पा सकते हैं। पर ये दोस्तों कुछ दिन की राहत इससे मिलती है। ये लगाने से, अप्लाई करने से जो है वो पशु के ऊपर से जो जू चिचड़ है वो हट जाते हैं, पर कुछ दिन बाद जो है वो दोबारा उस पे जो है वो लग जाते हैं। और ये होने का कारण ये है कि जू चिचड़ ऐसे छोटे छोटे अनेक जीव जो है वो हमारे फार्म की शेड की फ्लोर जो होती है, नीचे की सतह की मिट्टी जो होती है उस पे रहते हैं। तो उसके लिए एक आज सटीक तरीका मैं आपको बताऊँगा जिससे जो है वो उससे निजात पा सके। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, आपको जो अपने शेड है फार्म में उसके नीचे की मिट्टी जो है उसका ऊपर का 3 इंच का लेयर आपको हटा देना है। आप ऊपर की 3 इंच की मिट्टी जो है वो हटा दें, उसको आप फार्म से कहीं दूर फेंक दें। दूसरा आपको ये करना है कि आपको एक लेना है चूना, जो कड़ी चूना आता है, आप चाहे तो उसको फोड़ कर भी ले सकते हैं या फिर उसका चूरा करके भी ऐसे ही डाल सकते हैं। दूसरा आपको लेना है नमक। तो ये दो चीज़ें आप ले लें और जहाँ पर से मिट्टी जो है आपने हटाई हुई है उस जगह पे इन दोनों को डाल के उसको उस सतह पर जो है अच्छे से फैला दे, उस मिट्टी के साथ मिला दे। अब आपको क्या करना है कि बाहर से जितनी मिट्टी आपने बाहर फेंक दी है उतनी ही मिट्टी कोई ऐसी जगह से आपको लेके आनी है जहाँ पर पशु की अवर जवर कम हो या जहाँ पर पशु ना हो। तो वैसी मिट्टी आपको लेके आनी है और उसी में चूना और नमक उसमें भी आपको मिला देना है और उसको एक दिन तक धूप में रख देना है। तो ये मिट्टी भी हो गई और फार्म की मिट्टी भी, आप जो नीचे सतह है वहाँ पे भी चूना और नमक लगा देना है। अब इसके बीच में आपको एक काम करना है, आपको फार्म की दीवार पे जो है ना वो चूना कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, रंग नहीं करना, चूना करना है, क्योंकि चूना जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। तो ये आप कर दे, अगर प्लास्टर है तो चूना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन के बाद जो मिट्टी आपने धूप में रखी थी, चूना और नमक डाली हुई नई मिट्टी, वो मिट्टी आपको फर्श पे जो है वो डाल देनी है। और दोस्तों ऐसा आपको पर ईयर एक बार, यानी कि हर साल में एक बार कर लेना है। आपके शेड पे मैं 110% गारंटी देता हूँ एक भी जू चिचड़ कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और आपका पशु पूरा तंदुरुस्त रहेगा और 100% जो है उसका फोकस मिल्क में रहेगा। तो अगर आपको ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए और एक सफल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जो है नॉलेज, छोटी छोटी बातें पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आप तक पहुँचाया करते हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को।